मेरा नाम नीतीश मुनास है, मैं गुरदासपुर तो रहने वाला हूँ। जो कि मैं रोड रास्ते बीच जो मेरे कोटे की जो कि चपड़ी पूरी तरह हिल चुकी थी, इस करके मैंने वो नीचे छोड़ गया था। इस करके मुझे किसी ने सलाह दी अमनदीप हॉस्पिटल जा, मैं अमनदीप हॉस्पिटल गया पठानकोट। उन्होंने मुझे ना रेफर किया अमृतसर अमनदीप हॉस्पिटल, ITSR से मिला। उन्होंने मुझे ना सर्जरी की मुझे उन्होंने सलाह दी। 3 दिन मुझे रखा था, उसके बाद मुझे डिस्चार्ज दे दिया। तो सिक्स वीक तक मुझे रेस्ट रुस्ट की मैंने। उन्होंने मुझे कहा था डॉक्टर आई सर ने, तो आप फिजिकल थेरेपी अमनदीप करा, मैंने अमनदीप में फिजिकल थेरेपी कराई है। तो बाद मैं बहुत अच्छे से तुर फिर रहा हूँ। मुझे उन्होंने मुझे 6 मंथ के लिए अब दौड़ने के रनिंग करने के लिए मुझे मना किया। कोशिश करूंगा मैं 6 मंथ तक मैं दौड़ रनिंग के लिए पूरे तरह तैयार हो जाऊंगा। मैं सर्जरी के बाद माँ वैष्णो देवी से भी वो आया हूँ, अब मैं पूरी भी चढ़ सकता हूँ। तो अब मुझे किसी बात की तंगी तो नहीं है। तो आप किसी को जो लगता है कि किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो, आप जल्द अमनदीप हॉस्पिटल जरूर आना। सो जे नीतीश पेशेंट बारे अभी गल करिए, इन्हों की जी प्रॉब्लम सी ये अपने गोडे के जोड़ का मॉडल है, ये पट वाली हड्डी है, लत वाली हड्डी, तो चपड़ी। सो इन चपड़ी जी बार बार डिसलोकेट हो जाती सी, निकल जाती सी। तो चपड़ी नू अपनी थां ते रखण वास्ते अपने कुछ लिगामेंट्स होंदे ने जिहड़े चपड़ी नू फड़ के रखदे जो मूवमेंट होंदे ताकि चपड़ी बाहर ना निकले। सो एक तो लिगामेंट करके होंगे, दूजा जी अपनी हड्डी की बनतर है वो इस प्रकार होंगी है, जिंदा कि तुम देख रहे हो इस प्रकार होंगी, ता जो ये चपड़ी इस दे विच आराम नाल मूव कर सके ते अपनी थां तो हिले ना। सो इस पेशेंट दे विच जो असी कीता, इन्हां दी एक तां हड्डी दी बिल्कुल भी शेप नॉर्मल नहीं सी, उस दे विच सानू इसनूं एक स्पैशल टैक्नीक कहिंदे ने ट्रोकलियोप्लास्टी, उह करनी पई। उहदे विच असी स्पैशल इंस्ट्रूमेंट्स नाल इहदे थल्लों दी हड्डी कढ दई दी है ते इहदी कार्टिलेज नूं वापस अपनी थां ते ला दई दा। ते सेम टाइम ते सानू, क्योंकि इहदे चपड़ी दी जिहड़ी नैचुरल प्लेस सी उह सी नहीं, हाइट वध सी, सानू इत्थों भी हड्डी दे कट ला के ऑस्टियोटमी करके उहनूं अपनी नॉर्मल एनाटमी ते लिआउणा पिआ। नॉर्मल जिहड़ी बंदा दी बनतर हुंदी है उस तरीके ते लिआउणा पिआ, ते सेम टाइम ते लिगामेंट भी रीकंस्ट्रक्ट करना पिआ। तो यह सारी सर्जरी जिहड़ी कि मैं तुहानूं दस रिहा, ये बहुत अनकॉमन सर्जरी है, इत्थे बहुत रेयरली परफॉर्म की जाती है। सो असी इस गल का माण करते हैं कि सानूं यह मौका दिता गया, तो इहदे रिजल्ट्स भी बहुत वधिया आए ने। जिंदा कि आप देख सकते हैं कि पेशेंट बहुत आराम नाल अपनी एक्सरसाइजिज कर रहे हैं, चपड़ी हुण बिल्कुल भी खिसकदी नहीं है। तो सारी एक्सरसाइज ते मैं उम्मीद करदा कि यह अगे जा के एज ए स्पोर्ट्स परसन, क्योंकि पेशेंट चाहुंदा है कि वह एथलीट बने जां कुछ करे, स्पोर्ट्स दे विच पार्टिसिपेट करे, वो बहुत आराम नाल कर पाएगा।